वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गणित का 6.5 अभ्यास, यानी कक्षा 10 की गणित जो है एनसीईआरटी की, उसकी प्रश्नावली 6.5 त्रिभुज से रिलेटेड है। यानी त्रिभुज आप लोग पढ़ रहे हैं तो चार प्रश्नावली तक, चार चैप्टर तक हम इसमें बता चुके हैं आप लोगों को। अब ये बता रहे हैं 6.5 आज, तो चलिए इसका अध्ययन आज करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है बुक से आप लोग पढ़िएगा, कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। देखिए इसमें जो है आपको ये बताना है कि कौन सा त्रिभुज समकोण है और कौन सा त्रिभुज समकोण नहीं है। तो समकोण त्रिभुज के लिए सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है, समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज के लिए आपको पहले ये समझना जरूरी है कि कैसे होता है क्या। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही होती है क्या, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। तो अगर ये समकोण है, ये त्रिभुज जो आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये अगर समकोण है तो इसमें कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी, 25, क्योंकि 25 सबसे बड़ी है। तो पहले इसको तो हम पता करते हैं कि समकोण है कि नहीं है। तो उसके लिए छोटी दोनों भुजाएं जो होगी उनका वर्ग करेंगे हम, इसका और इसका। ये छोटी भुजा है, ये तो बड़ी है, तो बड़ी भुजा को एक साइड में लिखेंगे और छोटी भुजा को एक साइड में लिखेंगे। देखिए छोटी भुजा को हमने प्लस लगा के एक साइड में लिख दिया और बराबर के दूसरी साइड में जो बड़ी भुजा रहेगी उसको लिखेंगे, ये हो गया। अब सब पे हम वर्ग लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय का नियम है। अब सब पे वर्ग लगा दिए, अब हम इसको सरल कर ले। अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाते हैं तो समझ लीजिए समकोण त्रिभुज है, और अगर बराबर नहीं होते हैं तो समकोण त्रिभुज नहीं है। बस इतना ही आपको करना है। तो देखिए इसका वर्ग जब हम करेंगे 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो गया, और 24 का वर्ग जब करेंगे तो आएगा आपका 576 हो गया, और इसका जब वर्ग करेंगे तो 600 कितना होगा, 25 होगा। ये वर्ग आप लोग कर लीजिएगा, हम वर्ग कर लिए हैं। तो वर्ग का मतलब जान रहे ना, 7 को 2 बार गुणा करना है, 24 को 2 बार, 25 को 2 बार, मतलब यहाँ 2 लिखा है जिसका मतलब 25 गुणे 25, 24 गुणे 24, वर्ग का मतलब यही होता है, 2 बार हम उसको गुणा करके पता करते हैं। तो ये अब जोड़ लेते हैं, देखिए इसमें 9 6 15 हुआ, 7 4 11 1 12 हुआ, 5 1 हासिल बचा था 6, 625 इधर और 625 इधर, ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब हो गया कि समकोण त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज है, ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। बड़ी, अब इसमें भुजा लिखना है, कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई हम लिख देते हैं, कर्ण की लंबाई कितना हो गई, 25 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, जो भुजा बड़ी रहेगी तीनों में से वो कर्ण रहेगी आपकी। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, इसके दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल दिया गया आपका 3 8 6, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब इसमें बड़ी भुजा कौन है, 8 है। अब 8 से हम लेकर चलेंगे इसको, यानी छोटी वाली भुजा को एक तरफ करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे प्लस 6 का वर्ग करेंगे, बराबर 8 के वर्ग के होना चाहिए। अगर हो जाता है तो समकोण है, नहीं तो नहीं है। अब देखिए ये हो गया 9 होगा, 3 3 9 प्लस, और ये हो गया 36 बराबर 8 64। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45, लेकिन क्या है, बराबर नहीं है 64 के, 45 बराबर 64 थोड़े ना होता है, तो नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज नहीं है।
ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो हमें कर्ण का कोई मतलब ही नहीं है, कर्ण इसमें हमको बताना ही नहीं है। तो ये हो गया दूसरा सवाल। अब चलते हैं तीसरे सवाल, इसके तीसरे खंड पर चलते हैं। तो तीसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें 80, 50 और 100 है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग बराबर 100 के वर्ग के, तो 5 पचे 2500 हो गया, प्लस 8 6400 बराबर इतना हो जाएगा 10000 के। अब दोनों को हम देखते हैं कि क्या बराबर होता है। इसको इसको जोड़ देते हैं, तो 0 0 हो गया, 5 4 9 6 2 8, इधर 8900 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 10000 हो रहा है, तो क्या है बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं, चौथा सवाल इसका देख लेते हैं। चौथे में आपको दिया गया है 13 12 5, 13 है 12 है 5 है, ये सेंटीमीटर में है सब। अब इसको भी उसे करेंगे, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, तो ये हो गया 25, ये हो गया 12 बराबर 144 और ये बराबर 169 के। जोड़ लेते हैं 5 4 9 4 2 6 6 1 169 बराबर 169। देखिए दोनों पक्ष बराबर है, अतः ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है और कर्ण की लंबाई लिख लेते हैं इसमें, कर्ण की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा 13 है तो 13 सेंटीमीटर, बस इतना ही हो गया। पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का सवाल अगर आएगा पेपर में आप लोग हल कर ले जाएंगे। कुछ करना नहीं है, छोटी भुजा का वर्ग दोनों को करके जोड़ लेना है और बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो समझ लेते हैं कि वो समकोण है, अगर बराबर नहीं होता है तो समकोण नहीं है, मतलब बड़ी भुजा जो होगी वही कर्ण होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQR एक समकोण त्रिभुज है, यानी ये समकोण त्रिभुज है, एक पी समकोण है, यानी ये कोण यहाँ से यहाँ तक क्या है समकोण, मतलब 90 अंश, ये कोण 90 अंश है आपका, तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार है, QR ये है, इस पर बिंदु M जो है इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR, यानी ये जो M है PM आया है ये इस रेखा पर लंब है, कहने का मतलब ये कोण आपका 90 अंश का बनेगा। तो आपको दर्शाना है अथवा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देख लीजिए। सिद्ध करना है PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, यही आपको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें दोनों त्रिभुज को पहले, सबसे पहले हमें समरूप सिद्ध करना होगा। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए दिया क्या गया है, पहले हम पता कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज PQR में कोण P बराबर कितना दिया गया है, 90 अंश, P बराबर कितना दिया गया है 90 अंश दिया गया है, तथा PM लंब है किस पर, QR पर, PM ये है लंब किस पे है QR पर, ये हमको पता है, यानी दिया है इतना सवाल से हमको दिया गया है, ये इतना तो हमको सवाल से ही पता है।
अब देखिए क्या करना है हमको, दोनों त्रिभुज हम सर्वांग समरूप सिद्ध करेंगे, यानी दोनों त्रिभुज अगर समरूप सिद्ध हो गए तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए समरूप सिद्ध करने के लिए देखिए ये कोण और ये कोण, एक त्रिभुज ये है एक त्रिभुज ये, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू एम उपपत्ति लिख देते हैं, उपपत्ति त्रिभुज पी क्यू एम तथा त्रिभुज पी एम आर, पी एम आर में। अब देखिए कोण पी एम क्यू, कोण पी एम क्यू बराबर है कोण पी एम आर के, पी एम आर के, यानी ये कोण दोनों 90-90 अंश के होंगे क्योंकि ये लंब है यहाँ पे, तो दोनों त्रिभुज के एक एक कोण बराबर हो गए आपके। और देखिए कोण 4 बराबर होगा कोण 1 के, क्योंकि ये दोनों कोण और ये दोनों कोण यानी एक और एक, एक दो मिल करके कितना बना रहे हैं 90 अंश दिया ही गया है, यानी ये पूरा कोण कितना है 90 अंश का है, तो कोण 1 और प्लस कोण 2 बराबर कितना है 90 अंश का। और यहाँ पे जब ये 90 हो गया तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है 180 होता है, तो ये 90 है तो 3 और 4 मिला करके भी क्या हो जाएंगे 90 अंश हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 4 और कोण 1 बराबर कितना है, ये दोनों कोण 1 होंगे, यानी जैसे देख रहे हैं आप लोग कि ये कोण 4 और कोण 1, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 4, ये कोण बराबर हो गया, और 3 के बराबर 2 होगा, कोण 3 बराबर कोण 2। अब हमको मिल गया यानी ए ए ए से त्रिभुज पी क्यू एम बराबर समरूप है त्रिभुज पी एम आर के, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यानी क्यू एम, क्यू एम बटा पी एम, क्यू एम बटा पी एम, क्यू एम देख रहे हैं ना, क्यू एम बटा पी एम, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो देखिए इस इसकी भुजा ये है और इस त्रिभुज की भुजा ये है, फिर लिख सकते हैं हम पी एम बटा एम आर, पी एम बटा एम आर, या हम गुणा कर सकते हैं इसका, पी एम, पी एम का गुणा कर देंगे यहाँ पे देख लीजिए, तो पी एम स्क्वायर बराबर ओ एम इंटू एम आर, और यही चीज़ हमको देखिए सिद्ध करना था तो सत्यापित हो गया। ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, यानी ये कोण आपका समकोण है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण आपका समकोण है, और ए सी जो है इस बी डी रेखा पर क्या है लंब है, यानी 90-90 अंश का कोण बनाती है। तो ऐसी दशा में आप लोग देखिए ए बी डी, ए बी डी त्रिभुज, ए बी डी, ए बी डी बड़ा वाला त्रिभुज में कोण बी ए डी 90 अंश, बी ए डी जैसा कि दिया गया है 90 अंश है, और ए सी लंब बी डी, ए सी लंब बी डी, ये सब आपको दिया गया है प्रश्न में ही। अब देखिए अगर ऐसी स्थिति है, इस टाइप की स्थिति अगर है, तो ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज सब आपस में क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो वही हम लिख दिए हैं शॉर्ट में, पूरा हल नहीं किए हैं, मतलब समरूप नहीं दर्शाए हैं। अगर ऐसी स्थिति है जैसे पिछले सवाल में आप लोगों ने देखा सेम यही फिगर था, इसी टाइप से ये भी सिद्ध हो जाएगा दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो देखिए तब हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज समरूप होगा डी बी ए के, डी डी बी ए, डी बी ए यानी ये वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, फिर डी ए सी, डी ए सी ये वाला त्रिभुज
DBA, DBA के समरूप बड़े वाले त्रिभुज का समरूप हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा तीसरी बार। अब अगर हम लेते हैं पहले सवाल को, ए बी स्क्वायर बी सी बी डी कह रहा है, ए बी स्क्वायर उसके बाद बी डी और बी बी सी बी डी, बी सी और बी डी। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और डी बी ए, ए बी सी देखिए ए बी सी डी बी ए पहला वाला लेते हैं, इसके हिसाब से हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब इसको लेना है हमें, हमें ए बी सी लेना है और ए बी डी लेना है, मतलब छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज हमको लेना है। अब देखिए अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अगर समरूप हैं तो इनको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एक बटा दो बी सी इंटू ए सी बटा एक बटा दो बी डी इंटू ए सी बराबर होगा ए बी स्क्वायर बटा डी बी स्क्वायर। अब इसको समझ लीजिए कैसे होगा, एक बटा दो लंब गुणे आधार, एक बटा दो लंब गुणे आधार, देखिए एक बटा दो लंब हो गया, लंब कौन सा आप देखिए इसमें बी सी, आधार कितना है, आधार हो जाएगा देखिए यहाँ पे ए सी है, एक ए सी दिया गया है और एक बी सी दिया गया है। जब हम छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, छोटा वाला त्रिभुज, यही छोटा वाला त्रिभुज हमको लेता है, तो एक बटा दो लंब गुणे आधार, लंब ए सी और आधार बी सी, किसी को भी ए सी बी सी हम किसी को भी लंब या आधार मान सकते हैं, ये होगा आपके ए बी के स्क्वायर के बराबर। तो देखिए हमने लिख दिया, इसी तरीके से बड़े वाले त्रिभुज के लेते हैं, जब एक बटा दो बी डी है, देखिए एक बटा दो बी डी बड़ा वाला त्रिभुज आपकी लेना है ना, तो बी डी इंटू ए सी, बी डी इंटू ए सी यानी आधार गुणे लंब, ये पूरा आधार हुआ, ये आपका लंब हुआ, बराबर किसके होगा, बी डी बी स्क्वायर, डी बी स्क्वायर के यानी ये आपका कर्ण है इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब हमको कुछ करना नहीं है, बी सी यानी एक बटा दो हमारा कट जाएगा, इसमें से एक बटा दो फिनिश हो जाएगा, तो ये आप काट सकते हैं और यहाँ से ए सी भी काट सकते हैं, तो आपका यही बचेगा क्या, बी सी बटा बी डी बराबर ए बी स्क्वायर बटा डी बी स्क्वायर। अब इसका जो है गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर गुणे बी डी, ये हुआ बराबर बी डी स्क्वायर गुणे बी सी, या देखिए ए बी स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे एक बी डी है, ये बी डी गुणा इधर भाग हो जाएगा, तो भाग जाने पर यहाँ बी डी स्क्वायर एक है, ये बी डी स्क्वायर है, तो एक बी डी से एक बी डी कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे बी डी, बी डी इंटू बी सी। फिर से इसको देख लीजिए, देखिए यहाँ पे जब हम ए बी स्क्वायर करते हैं और बी डी है, तो बी डी यहाँ गुणा है, इसको ले जाके दाई तरफ करेंगे तो यहाँ पे बटा हो जाएगा, तो बटे में एक बी डी नीचे रहेगा और बी डी स्क्वायर ऊपर है, तो बी डी और बी डी स्क्वायर में से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा खाली बी डी और ये बी सी है, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। देखिए यही हमको क्या करना था, यही सिद्ध करना था, तो हमारा सिद्ध हो गया। अब चलते हैं दूसरा सवाल, यहीं पे आप लोगों को दिखा देते हैं, सवाल नंबर दो देख लीजिए इसका, जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, इसमें दूसरी बार कह रहा है ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। अब इसको भी देख लीजिए, अब इसमें हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी, इस त्रिभुज में लेंगे, तो यहाँ भी वही प्रक्रिया, एक बटा दो
गुणे बी सी गुणे ए सी बटा एक बटा दो गुणे डी सी इंटू ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी सी स्क्वायर। यहाँ भी वही करना है हमको, ये सब देखिए कटेगा आपका, ए सी बचेगा कटेगा, ये आपका हो गया बी सी बटा डी सी बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस वही लिख देना है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, बस सत्यापित हो गया आपका। सेम ये इसी तरीके से तीसरा सवाल भी आपको लेना है और उसमें आपको त्रिभुज जो लेना है उसमें आपका त्रिभुज बनेगा डी ए सी, आप देख रहे हैं ना डी ए सी और डी बी ए, डी ए सी और डी बी ए ये वाला त्रिभुज लेना है तीसरे में। तो इस त्रिभुज के आधार पर सेम इसी तरीके से आपको सवाल लगा देना, उसको हम बता नहीं रहे हैं, आप लोगों को एक सवाल यहाँ पे छोड़ रहे हैं, आप लोग उसका अभ्यास करिएगा एक सवाल लगा करके। तो तीसरा सवाल कंप्लीट होता है, सेम इसी तरीके से लगाना, कुछ नहीं करना, ऐसे लिख करके सरल कर लेना आ जाएगा तुरंत। चलिए अब अगला सवाल हम आपको चौथा सवाल बताते हैं। प्रश्न नंबर चार देखिए, कह रहा है एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, यहाँ पे जिसका कोण सी है यहाँ पे रहेगा सी समकोण है, सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर टू ए सी। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा सवाल है, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय देखिए ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर तो यहाँ ही है, और ए सी बराबर देखिए ए सी बराबर बी सी होता है, तो यहाँ पे बी सी जो लिखे हैं इसकी जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं, तो हम ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी इसकी जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं क्योंकि बी सी बराबर ए सी होता है। अब देखिए अब इसको ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर है ये ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ लेते हैं टू ए सी स्क्वायर, बस यही हमको सिद्ध करना था, सत्यापित हो गया। बहुत सिंपल सा सवाल है, चलिए अगला सवाल देखते हैं पांचवा। अगला सवाल पांचवा भी देख लीजिए, सेम वही सवाल है, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है, सेम वही से ही हल करना है, केवल ए बी सी यही अंक जो है इसका इधर उधर कर दिया गया है, बस बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिए इसमें भी ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ए सी बराबर बी सी ये दिया ही गया है, सारी एक चीज यहां पे सिद्ध ये नहीं करना है, ये तो दिया गया है, ये आपका दिया गया है, इतना आपका दिया गया है, सिद्ध जो आपको करना है ये करना है ए बी ए सी बी ए बी सी ए बी सी या ए सी बी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है, इतना आपको सिद्ध करना है, ये आपको अगली लाइन लिख लेना है दिया गया है। अब देखो ए सी ए सी बराबर बी सी दिया गया है आपके पास, और ये दिया गया है ए बी स्क्वायर बराबर टू ए सी दिया गया है, अब हमको सिद्ध करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो अगर हमारा ये सिद्ध हो जाता पाइथागोरस प्रमेय पे आ जाता है ये, तो समझ लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर,
देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी होता है, तो बी सी की जगह ए सी हम लिख सकते हैं, बी सी बराबर ए सी दिया गया है तो ए सी लिख सकते हैं, या ए बी स्क्वायर बराबर टू टू ए सी, टू ए सी हम लिख सकते हैं इसको, ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर टू ए सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं पहले जैसे जैसे यहाँ पे दिया गया आपको सत्यापित करने के लिए, सत्यापित मतलब जो आपको दिया गया है इतना हम लिख सकते हैं ए बी। अब देखिए या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए सी, ए सी ना लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये भी तो हम लिख सकते हैं, ए सी की जगह बी सी भी लिख सकते हैं हम। तब अतः सिद्ध हो गया, सिद्ध है ए बी सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, बस कुछ नहीं करना है आपको। ये आपका हो गया पांचवा सवाल। चलिए अब छठवां सवाल जो है, छह सवाल से हम आप लोगों को कल बताते हैं, छठवां सवाल जो है आप लोगों को अब छह से कल बताते हैं, आज आप लोगों ने पांच सवाल तक इसमें पढ़ लिया है, तो इसका अध्ययन कीजिए, इसको नोटबुक पे लिखिए आप लोग। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।